हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आज का सवाल जो आप जीव विज्ञान से संबंधित सामान्य ज्ञान है जो सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आपको पूरा नॉलेज चाहिए तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सवाल जो आपकी ओर। सवाल नंबर एक, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खत्ता होता है। ऑप्शन है वायरस, बैक्टीरिया, निमेटोड, प्रोटोजोआ। इसका सही जवाब है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के द्वारा ही दूध खट्टा होता है, ये तो आपको पता ही होगा अगर आप साइंस की स्टूडेंट हो तो। दोस्तों, ऑप्शन में ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी ऐसे नहीं बोलूंगा क्योंकि बोलने में बहुत टाइम हो जाएगा और वीडियो लंबा हो जाएगा। सवाल नंबर दो, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होती है। अब है पेचिस, दमा, कुष्ठ, ये सभी। इसका सही जवाब है कुष्ठ रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होती है। सवाल नंबर तीन, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की। ऑप्शन है इवानोवस्की, एडवर्ड जेनर, लिनियस और स्मिथ। सही जवाब है इवानोवस्की ने सर्वप्रथम विषाणु की खोज की थी। सवाल नंबर चार, चेचक के लिए टीके का विकास किया था। ऑप्शन है मिलस्टीन ने, एडवर्ड जेनर ने, लई पाश्चर ने और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए टीके का विकास किया था। सवाल नंबर पाँच, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है। ऑप्शन है लैक्टोबैक्सिलस, माइक्रोबैक्टीरियम, खमीर और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए का लैक्टोबैसिलस, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है। सवाल नंबर छः, निम्न में से कौन स्वपोषी होता है। ऑप्शन है शैवाल, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ। इसका सही जवाब है शैवाल, स्वपोषी होता है। दोस्तों, आप यहां तक पहुंच ही गए हो तो कर दो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुंच सके। सवाल नंबर सात, टिक्का रोग किस में होता है। ऑप्शन है ज्वार, गन्ना, चावल, मूंगफली। सही जवाब है टिक्का रोग मूंगफली में होता है। इसका सही जवाब है डी ऑप्शन का मूंगफली। सवाल नंबर आठ, HIV द्वारा होने वाला रोग है। ऑप्शन है कैंसर, क्षय रोग, आदशक, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है HIV द्वारा होने वाला रोग आदशक है। दोस्तों, कमेंट में जरूर बताना कि HIV का फुल फॉर्म क्या होता है। सवाल नंबर नौ, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन में है मलेरिया, यक्षमा, चेचक, पीलिया। सही जवाब है चेचक रोग विषाणु के कारण होता है। सवाल नंबर 10, किस शैवाल में आयोडीन प्राप्त होता है। ऑप्शन है आडोगोनियम, यूथोथ्रिक्स, एक्स्टोकार्प्स, लैमिनेरिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी का लैमिनेरिया, शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। सवाल नंबर 11, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। ऑप्शन है विषाणु, जीवाणु, ईस्ट, प्रोटोजोआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए का विषाणु से हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। सवाल नंबर 12, निम्नलिखित में से किस में एंजाइम नहीं होते हैं। ऑप्शन है विषाणु, जीवाणु, शैवाल, लाइकेन। सही जवाब है विषाणु में एंजाइम नहीं होते हैं, विषाणु जो ऑप्शन ए में है। दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दो क्योंकि बहुत मेहनत लगा है वीडियो को बनाने में, आप समझ सकती हो। और अभी तक शेयर नहीं किए हो तो कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ताकि आपके फ्रेंड को भी नॉलेज मिल सके। और अगर आप ऐसे ही सवाल जो आप जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर रखो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।